मैंने पहली बार डिजिटल कैमरा का उपयोग किया था 87-88 में से, और उस समय बहुत कम लोगों के पास ईमेल रहता था। दूसरा, मैंने कहा मैं आई एम नॉट अ पर्सन की जो इन सारे विज्ञान को जानता हूँ, लेकिन मैंने कहा इतने क्लाउड है, बारिश हो रही है, तो एक बेनिफिट है कि हम राडार से बच सकते हैं। इतने बड़े रक्षा विशेषज्ञ हैं कि उन्होंने सोचा कि ऐसा काम करेंगे, मौसम क्लाउडी है रेडार पे नहीं आएंगे। इंटरव्यू लाइव हो या रिकॉर्डेड, उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि क्या सवाल पहले से तय था। अगर तय था तो वो इंटरव्यू नहीं माना जाना चाहिए। क्या सवाल पहले जमा कराया गया, इसे तो प्रधानमंत्री को ही स्पष्ट करना पड़ेगा। एक समय था कि हमारे देश के नेताओं की समझ और नॉलेज का लोहा पूरी दुनिया मानती थी। हमारे देश में अब्दुल कलाम जैसे राष्ट्रपति रहे जो पूरी दुनिया में एक जाने माने साइंटिस्ट थे, और हाल ही में हमारे देश में मनमोहन सिंह जैसे प्रधानमंत्री रहे जिन्होंने पूरे विश्व में अर्थशास्त्री के रूप में अपना लोहा मनवाया। लेकिन अब हमारे देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्हें पूरे कॉन्फिडेंस से सफेद झूठ बोलने में महारत है। नरेंद्र मोदी सरेआम झूठ बोलने और बहुत ही अजीब सी बचकाने लॉजिक वाली बातें करने में नंबर एक हैं। उनके इन्हीं लॉजिक्स की वजह से पूरी दुनिया में वो एक हास्य का पात्र बनते आए हैं। मैंने पहली बार डिजिटल कैमरा का उपयोग किया था 87-88 में से, और उस समय बहुत कम लोगों के पास ईमेल रहता था। तो मेरे यहाँ विरमगाम तहसील में अडवाणी जी की सभा थी, तो मैंने वो डिजिटल कैमरा पर उनकी फोटो ली। तब डिजिटल कैमरा इतना बड़ा आता था, मेरे पास था उस समय। मैंने फोटो निकाली और मैंने दिल्ली को ट्रांसमिट की, और दूसरे दिन कलर फोटो छपी। तो आडवाणी जी को बड़ा सरप्राइज हुआ कि दिल्ली में मेरी कलर फोटो आज कैसे छपी। मोदी जी का लेटेस्ट कारनामा हमने आपको सुनाया। मोदी जी का कहना है कि उन्होंने 1987 और 88 में डिजिटल कैमरा से फोटो खींच कर ईमेल की थी। अब मोदी जी ये भी बता दे कि जब भारत में इंटरनेट ही 1995 में आया था और ईमेल की सर्विस उसके बाद शुरू हुई थी, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने इंटरनेट आने से भी 7 साल पहले ईमेल कैसे भेज दी। मैंने पहली बार डिजिटल कैमरा का उपयोग किया था 87-88 में से, और उस समय बहुत कम लोगों के पास ईमेल रहता था। और बात रही कैमरे की, तो डिजिटल कैमरा भारत में 1987 में आया था, लेकिन बहुत ही ज्यादा कीमत होने के कारण बस इक्का दुक्का लोगों के पास ही था। लेकिन फकीर मोदी जी, जो कि बहुत गरीबी से आए हैं, उनके मुताबिक उनके पास ये कैमरा था। मोदी जी अपने इन बातों से लोगों के लिए हास्य का पात्र बन गए हैं। ये चुनाव बड़ा रोचक रहा है, स्वयं प्रधानमंत्री ने मनोरंजन किया, ये पहली बार ऐसा हुआ है। आप बताइए, हम तो मूर्ख थे अब तक कि हमें नहीं मालूम था इंटरनेट इतना पहले आ गया इस देश में। 1988 में एक ऐसे व्यक्ति ने इंटरनेट यूज किया, जबकि हमारे आपके पास तो 98 में आया और देश में 95 में आया था। लेकिन यही नहीं, इस इंटरव्यू में मोदी जी ने एक और चौंकाने वाला दावा किया, आइए सुनिए। एक पल हमारे मन में आया, इस वेदर में हम क्या करेंगे, क्लाउड है, जा पाएंगे नहीं जाएंगे। तो बाय एंड लार्ज ओपिनियन ही आया एक्सपर्ट्स का कि साहब डेट बदल दे तो क्या। मेरे मन में दो विषय है, मैंने कहा एक सीक्रेसी, अभी तक तो सीक्रेट रहा है, लेकिन अगर सीक्रेसी मैं कुछ लूजनेस आई तो फिर तो हमें हम कर ही नहीं सकते, करना ही नहीं चाहिए। दूसरा, मैंने कहा मैं आई एम नॉट अ पर्सन की जो इन सारे विज्ञान को जानता हूँ, लेकिन मैंने कहा इतने क्लाउड है, बारिश हो रही है, तो एक बेनिफिट है कि हम राडार से बच सकते हैं। मैंने कहा मेरा रॉ विजडम है कि ये क्लाउड बेनिफिट भी कर सकता है। अब मोदी जी की मानिए तो घने बादलों में और खराब मौसम में राडार विमानों को भाप ही नहीं पाते। वाह मोदी जी वाह। मोदी जी की ये बातें सुनकर बड़े बड़े विज्ञानी भी अपना सिर पकड़ कर बैठ गए हैं। I can say this much that the radars are meant to see through cloud cover. They are meant to see through clouds. So the radars, their performance does not get affected by clouds. बालाकोट की बात चल रही थी, वायुसेना के लोगों ने कहा कि बॉम्बिंग करनी है, मेरे पास आए कहते हैं मौसम खराब है। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, एयरफोर्स के अफसरों से कहते हैं, एयर चीफ से कहते हैं, फायदा होगा, बादल में, आंधी में, तूफान में रेडार हवाई जहाज को नहीं देख पाएगा। अच्छा नरेंद्र मोदी जी, जब हिंदुस्तान में बारिश आती है, तूफान आता है, तो फिर क्या पूरे पूरे हवाई जहाज रेडार से गायब हो जाते हैं क्या? इतने बड़े रक्षा विशेषज्ञ है,
कि उन्होंने सोचा कि ऐसा काम करेंगे, मौसम क्लाउडी है, रेडार पे नहीं आएंगे। इसी इंटरव्यू में लोगों ने एक और बात पर भी गौर दिया। मोदी जी के इंटरव्यूज के बारे में अक्सर कहा जाता है कि ये स्क्रिप्टेड होते हैं और सवाल पहले से ही सेट होते हैं। इस बात का प्रमाण भी इस इंटरव्यू में मिला। पहले ये सवाल सुनिए। मैं कभी नरेंद्र मोदी से जानना चाहता हूँ कि क्या आपने पिछले 5 सालों में कुछ लिखा है। और अब ये देखिए, मोदी जी के हाथ में जो कागज है इसमें ये सवाल पहले से ही लिखा हुआ था, जो कि इस बात का प्रमाण देता है कि मोदी जी के सारे इंटरव्यू स्क्रिप्टेड होते हैं। अब बताइए, अगर स्क्रिप्टेड ना होते तो एंकर ये सवाल ना वापस पूछते कि 1987 में ईमेल कैसे, मोदी जी कैसे? इंटरव्यू लाइव हो या रिकॉर्डेड, उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि क्या सवाल पहले से तय था। अगर तय था तो वो इंटरव्यू नहीं माना जाना चाहिए। क्या सवाल पहले जमा कराया गया, इसे तो प्रधानमंत्री को ही स्पष्ट करना पड़ेगा। खैर, एक ही इंटरव्यू में लोगों को मजाक उड़ाने के लिए इतना कंटेंट देने के बाद मोदी जी आगे से ऐसे बचकाने और झूठे लॉजिक देने से तो बचेंगे, लेकिन ये मोदी जी हैं, क्या पता अपने लॉजिक्स को वो किसी तरह सही भी प्रूव कर दें, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।